morning from Old Trafford, where the big clash between India and Pakistan is underway. And guess what? I finally got my hands on. इतने सारे celebrities और known faces आए हुए हैं from India and Pakistan के हमें दिल नहीं लगा कि हम अंदर जाके बैठे. We've spotted a vlogger, Momin Saqib. Let's see if he can take a minute out. You know, he's busy making his own vlog. Can we talk to you also? I am doing a vlog for Peshawar Zalmi and a vlog for myself. आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे क्रिकेट के फैन हैं, उसके बाद कुछ टिप्स भी दे रहे हैं व्लॉगिंग के बारे में. सबसे पहले क्रिकेट के बारे में पाकिस्तानी टीम को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना जज्बा, अपना जुनून टॉप पे रखो. देखो जीत के बारे में क्या है, फर्स्ट यू हैव टू विन इन योर माइंड, एंड व्हेन यू विन इन योर माइंड यू विन इन योर रियलिटी. अपने जहन को बोलोगे ना हम जीत रहे हैं तो आप अपनी रियलिटी में भी जीतोगे. और इस टीम को सपोर्ट चाहिए, ठीक है. ये कल रात बर्गर खाने गए थे, ये कल रात सच है. लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड हैव बीन टेलिंग मी कि बर्गर खा रहे हैं, निहारियां खा रहे हैं. कोई प्रूफ है कि वैसे इल्जाम लग रहे हैं झूठे? अगर ये बात सच्ची नहीं है तो मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी. बट अगर ये बात सच है, ये को फिटनेस है, कुट्टी है, ये मेरी तरह अनफिट होने की क्या जरूरत है इनको. खैर आते हैं व्लॉगिंग पे. व्लॉगिंग शॉगिंग मुझे नहीं आती, मुझे कंप्यूटर बंद भी नहीं करना आता, मैं ऐसे तो स्विच निकालता हूँ. मेरा क्या, बटन दबाओ, कैमरा वहाँ वहाँ पे वीडियो बनाओ और लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि छोटी सी जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी. ये मैच 6:30 बजे खत्म हो जाएगा, शायद हमारी जिंदगी 8 बजे खत्म हो जाए, शायद अगले 40 साल में ना हो, तो जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे तुम्हारी जिंदगी. मुझे बताया कि एनर्जी लेवल कहाँ से लेकर आते हैं, टीम को कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगी? ये ईबे से लेता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता. थैंक यू सो मच, एंजॉय द गेम. नाम बताएं और ये बताएं इतने ज़्यादा दुखी, इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हैं? मेरा नाम बिलाल है और दुखी और डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं, कल से निकले हुए हैं कि आएंगे जी, इतनी दूर से 5 घंटे का सफ़र किया है, इतना अनकंफर्टेबल सफ़र करके इधर आए हैं, पैसे खर्चे हैं कि मैच देखेंगे, मैच देखे कोई लुफ्त उठाएंगे, कोई मज़ा आए. सीन ही नहीं है. सीन क्या है, सीन बस ऐसा है कि मुझे लगता है कि जी अल्लाह मियां ने जो कायनात बनाई है ना वो बड़ी जस्ट है, तो जस्टिस प्रवेल करेगा. उनकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, हमने बर्गर खाए हैं, बर्गर निकल रहे हैं. ये बर्गर वाली बात कितनी सच है? आई नो कुछ आपके सोशल मीडिया में है, नहीं अरे कुछ सोर्सेज हैं. देखिए ये एवी पंप दही रखते हैं लेकिन रियलिटी रियलिटी है, जस्टिस है जी, मेहनत करेंगे तो फल निकलेगा. अब आप कोहली की फिटनेस देखें और हमारे बंदे तो उनको तो नींदे आ रही है फील्डिंग करते हुए. वो वैसे नहीं, वो यॉन नहीं कर रहा था बेचारा. ये क्या है, अल्लाह मियां मुझे बताइए ये कौन सी टीम है जो एक दिन मैच से पहले बाहर जा रही है? कोई फिजिकल नहीं, मेंटली भी बंदा प्रिपेयर करता है अपने आप. देखिए मैं वैसे तो वी वांट टू कीप दम, सारा इसकी वजह से है, इसने लोगों को मार दिया हुआ है, इसने पंप दिया हुआ है, दिल रो रहा है, रो रहा है. आज रो ना, आज पर रोता नहीं, रो रो रो. बहुत गुस्से में, आप तो बहुत गुस्से में, इतना गुस्सा ना करें, इजी रहे थोड़ा. वो कह रहे हैं आपकी वजह से, आप कह रहे हैं इनकी वजह से. गाइड करते हैं ना मुझे ये बड़े भाई है, तो इनको ही ब्लेम देना चाहिए. नहीं नहीं ये देखिए यार, ये अब हमने चले जाना है, इस तरह लगेगा जिस तरह एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग हुई हुई है इंडिया के लिए. ऐसी कोई बात नहीं, अगले वीक अगर हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, इधर हमारी नीचे जा रही है, हम और हमारी उम्मीदें जा रही है नीचे. अब किधर जाए, ऊपर से बारिश शुरू हो गई है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा. ऐसा करते हैं अभी फिलहाल तो वापस अपने अपने घरों को जाते हैं ना, और नेक्स्ट वीक उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की एक अच्छी साइड हम सबको देखने को मिलेगी. मुझे लगता है जो कप हमें मिलना है वो चाय का ही है, जो घर जाके खुद ही पीना पड़ेगा. यहाँ ये अभिनंदन भाई कप लेके फिर रहे हैं. मोमिन जी जी कहाँ घूम गए हो? कोई बात नहीं, अभी 4 गेम्स बाकी, इतने भी डिसअपॉइंटेड ना हो. आप कहाँ की वो एनर्जी और वो पॉजिटिव टॉक और मायूसी गुनाह वाली सारी बातें? मैं मायूस नहीं हूँ, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ. मेरे मुल्क में जहाँ इतने मसले हैं, लोगों को खुशी के कुछ छोटे छोटे मौके मिलते हैं और हमारे हमसे छीन लिए जाते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन खैर कहना चाहूँगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन होप नहीं हारा. होप है, 4 मैच हैं, दिल लगा दें, दुआएं हो, मेहनत करें तो जीत सकते हैं और जीत के अपनी आवाम को वो खुशी दे सकते हैं जो उनका हक बनता है. बिल्कुल, एटलीस्ट पुट अप अ फाइट, दैट्स ऑल. आई कैन से चलो जीते ना, जीतना और हारना तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन एटलीस्ट एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आनी चाहिए जो
कि हमें काफी ऐसे से देखने को नहीं मिल रही पाकिस्तान टीम में. एग्जैक्टली नहीं देखने को मिल रही. और आई थिंक हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक बनानी पड़ेगी कि अपनी कंट्री में एक किस तरह का स्ट्रक्चर लाना है क्रिकेट का कि आर यंगस्टर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड सो दैट दे आर क्वालिफाइड इनफ. टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को तराशा नहीं जा रहा, उस टैलेंट को डायरेक्शन नहीं दी जा रही. डायरेक्शन मिलेगी तो इधर आके मुखालिफ टीम को घर की डायरेक्शन देंगे. थैंक यू. मुखालिफ टीम को घर की डायरेक्शन देंगे. एंड आवर होप्स आर नॉट येट आउट. ऑन दिस नोट वी विल टेक यू लीव.